ठीक है, लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर खत्म किया था। कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने चैप्टर के, है ना। नाउ ऑन पब्लिक डिमांड हम रिवीजन कर रहे हैं चारों चैप्टर का। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और जब हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की, तो हमारी शुरुआत बात यही से होनी चाहिए, वो है आपका मैटर, है ना। कि मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स वो होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये एटम कंबाइन होकर ही क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जैसे कि O2, N2, H2 एंड सो ऑन, और एक होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जिसमें अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं, जैसे कि वाटर, HCl, NaCl एंड सो ऑन। ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, यही मॉलिक्यूल्स है। बस फर्क क्या है कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ लॉज हमने देखे थे चैप्टर में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहला लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हम ये बोलते हैं कि द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर यू कह लो कि एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितने एटम्स आपके रिएक्शन के पहले थे, रिएक्शंस के बाद भी एटम्स उतने के उतने ही रहेंगे हर एलिमेंट। बस ये होगा कि वो अपने एलिमेंटल फॉर्म से कंपाउंड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। और यहीं से बैलेंसिंग का कंसेप्ट आया था कि H2+O2 gives H2O है। अगर आप इसको ऐसे ही रखोगे तो ऐसा लग रहा है ना कि एक ऑक्सीजन का एटम कहां चला गया। तो टू मेंटेन दैट हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं ताकि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बराबर हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो उनके मासेस भी बराबर हो जाएंगे। तो ये टोटल आएगा 36 और ये भी टोटल आएगा 36। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। सेकेंड था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन या डेफिनेट प्रपोर्शन। इसमें अपन ये पढ़ते थे कोई भी कंपाउंड आप ले लो और उसका सोर्स कुछ भी हो, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लो फ्रॉम एनी सोर्स, है ना। आपका एक्सहेल किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, किसी रिएक्शन से बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, उसमें जो एलिमेंट्स का जो रेशियो है ना वो हमेशा फिक्स होता है बाय मास। जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है, 3:8 का। वाटर में H2O में H और O का रेशियो हमेशा कितना होता है, 1:8 का। द रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये हमारा सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ हम पढ़ते थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जहां हम ये पढ़ते थे कि एक दो एलिमेंट मिल करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि H2 और O2 मिलके क्या बनाए, वाटर। और यही H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना। टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू या मोर कंपाउंड्स, ऐसा हो सकता है ना। उस केस में हमने क्या देखा था कि आप रेशियो निकालो एक एलिमेंट के मास का, रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे रेशियो, दूसरे एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रख के। जैसे अभी इस दोनों इक्वेशन में ऑक्सीजन का मास कांस्टेंट है, कितना है, 32 32। किसी एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रख के दूसरे एलिमेंट के मास का अगर रेशियो निकालोगे, दैट रेशियो विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो, जो कि यहां पे क्या है, 1:2। क्या रेशियो हो जाएगा, 1:2 का। और यहां पे इसका मास को हमने कांस्टेंट रखा है, और इसका रेशियो कैसे हो जाएगा, ये है आपका 4 ग्राम और ये है आपका 2 ग्राम। 4:2 मतलब क्या हुआ, 2:1, विच इज अ सिंपल एंड अ होल नंबर रेशियो। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी हमने लिखा था कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ वन एलिमेंट, है ना। और वो कैसे निकाल रहे हैं, बाय फिक्सिंग द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट के मास को फिक्स रखना किसी एक को, अब चाहो तो हाइड्रोजन को फिक्स रखो तो ऑक्सीजन का मास चेंज हो जाएगा, पर वो जो रेशियो में होगा ना वो हमेशा होल नंबर रेशियो होगा।
कैसे हाइड्रोजन कैसे फिक्स कर सकते हो यहाँ पे, ये 4 ग्राम है, यहाँ पे 2 ही ग्राम है ना, तो इसको भी 4 ग्राम करने के लिए आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो मास इसका कांस्टेंट हो गया 4 4, तो इसका मास का रेशियो कितना आ जाएगा, 32:64 विच इज 1:2, समझ रहे हैं। तो एक के मास को हमें क्या करना है, फिक्स करना है, और दूसरे के मास का क्या निकालना है हमें, रेशियो। तो वो रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा, ठीक है। फोर्थ लॉ हमने पढ़ा था, गे लुसैक लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। अब ये वाला लॉ और इसके बाद वाला लॉ दोनों गैस के साथ डील करता है, एक ये और एक एवोगाड्रो, दे बोथ डील विद गैसेस, गैशियस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट अगर बनेंगे तो वो कैसे होंगे। तो ये क्या बोलते हैं कि जब भी किसी रिएक्शन में गैसेस रिएक्ट होती हैं या गैसेस बनती हैं, जैसे कि H2+N2 गिव्स अमोनिया, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, मतलब हमारे रिएक्टेंट्स भी गैसियस नेचर के हैं और प्रोडक्ट भी गैसियस नेचर का है। अब बैलेंस करो उसको, तो ये आपका यहाँ पे 2 लिखोगे और यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये हमेशा वॉल्यूम्स में कंबाइन होती है, गैसेस कैसे कंबाइन होती है, वॉल्यूम्स में, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर वॉल्यूम्स या ml, ये सब वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। तो दे ऑलवेज कंबाइन इन वॉल्यूम्स एंड दोस वॉल्यूम बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो 3:1:2। समझ रहे हैं क्या? तो ये हमारा गे-लुसैक लॉ था, मतलब कभी भी ये जो रेशियो है ना, ये होल नंबर के अलावा कुछ और रेशियो नहीं आएगा कि 2.5 या 1.5, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट हमने देखा था एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये भी गैस के ऊपर ही था, ठीक है। और ये क्या बोलते थे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बड़ा सिंपल सा लॉ है ये, कि अगर आपके पास 3 गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और तीनों का वॉल्यूम आपके पास सेम है, जैसे 1 लीटर 1 लीटर और 1 लीटर, क्लियर है, तीनों हमारे पास 1-1 लीटर है, तो जो वॉल्यूम, जो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो भी सेम होंगे, मतलब अगर इसमें 20 मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें भी 20 मॉलिक्यूल होंगे और इसमें भी 20। ये है इस लॉ का मतलब, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। बस ये ध्यान रखना कि ये दोनों लॉ के लिए हमने 2 चीजों को कॉन्स्टेंट रखा था, वो था टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों? क्योंकि दोनों को चेंज करने से ना गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या? इसलिए दोनों केस में हमको टेम्परेचर प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखना, मतलब ये तीनों गैसेस इक्वल वॉल्यूम में है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने अगर इसको अलग टेम्परेचर प्रेशर पे रखा तो इसका वॉल्यूम अलग हो जाएगा, सुन रहे हैं क्या? मान लीजिए आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर तो ये लॉ फॉलो नहीं करेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम अनइक्वल हो गया है। एम आई क्लियर? मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई एक गैस है, ध्यान देना, कोई एक गैस है, गैस ए, जिस जो 1 लीटर है आपके पास, और उसके आपके 20 मॉलिक्यूल है उसमें, तो अगर गैस बी का आपने 2 लीटर लिया, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, 40। ये है इस लॉ का मीनिंग, क्योंकि डबल हो गया ना, आपने वॉल्यूम डबल किया तो मॉलिक्यूल्स भी डबल हो गए। एम आई क्लियर? तो ये हमारे 5 लॉस थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन या डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फिर गे-लुसैक लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ से ही हमारा एवोगाड्रोस नंबर आया था, जिससे मोल कंसेप्ट बना था पूरा ना। उसके पहले हमने बात की थी कि एलिमेंट्स के एटम्स में हम 2 नंबर पढ़ते हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, जिसको अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है एटॉमिक मास, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, इट्स यूनिट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। मतलब आप ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सबके मासेस को, पर वो नंबर बहुत ही छोटा आएगा ना, एक एटम का मास बहुत ही कम होता है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें ना, तो हाइड्रोजन के ही एक एटम का मास होता है
1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, एटॉमिक मास। तो अगर आपको ये याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होगी तो आपने क्या किया, सबको एएमयू में कन्वर्ट कर दिया। तो आज जो हम पीरियोडिक टेबल में मासेस लिखते हैं ना, वो सारे किस में है, एएमयू में। आपने सबको एएमयू में कन्वर्ट किया है। और 1 एएमयू का मतलब क्या होता है, 1 एएमयू इज 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये आपका 1 एएमयू होता है। अगर आप हाइड्रोजन को एएमयू में कन्वर्ट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 1.008 एएमयू, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 लिख देते हैं। लाइकवाइज हमने सबके मास को एएमयू में कन्वर्ट किया। एएमयू का ये वैल्यू आया कहां से, कार्बन से। एएमयू का डेफिनेशन हम 9th क्लास में पढ़ते थे, 1 एएमयू इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। आप कार्बन 12 का एक एटम लो, उसका मास निकालो ग्राम में और उसको 12 से डिवाइड कर दो, तो मिलेगा आपको ये नंबर, विच इज वेरी स्मॉल, है ना। तो इसलिए अपन, और ये ग्राम में हम हर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हर का वैल्यू इसी ऑर्डर में आएगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। दैट इज वाई हमने एक दूसरा यूनिट लिया, दैट इज एएमयू, और एएमयू को डिफाइन किया हमने कार्बन के टर्म्स में। ठीक है, पहले हाइड्रोजन के टर्म्स भी कर रहे थे, ऑक्सीजन के टर्म्स भी किए, बट फाइनली कार्बन के टर्म्स में जो किए उसको फाइनलाइज किया गया। ठीक है, मोल कंसेप्ट भी हमने इसी में पढ़ा था कि मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, मोल इज नॉट, इट इज जस्ट अ यूनिट। मोल का मतलब क्या था, इट इज अ यूनिट। किस चीज का यूनिट है ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, किसी भी चीज का अमाउंट। किसी भी चीज मतलब किसी भी चीज नहीं, माइक्रोस्कोपिक चीजों का, जैसे कि एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, इन चीजों का अगर आपको अमाउंट बताना है, नंबर बताना है, तो हम क्या यूज करते हैं, मोल। आपको जैसे पेन का नंबर बताना तो हम डजन यूज कर सकते हैं, कि एक डजन पेन है तो 12 पेन है। इन द सेम वे अगर आपको इन टाइप के पार्टिकल्स, आयन हो गए, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, इन टाइप के पार्टिकल्स जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन पार्टिकल्स की क्वांटिटी अगर आपको बताना है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, मोल। ठीक है, इसमें मोल का मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर उतने एंटिटीज होते हैं जितने कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 के एटम्स। आप 12 ग्राम कार्बन ले लो और उसके एटम को काउंट करो, दैट नंबर विल बी 1 मोल। अब ऐसे तो करेंगे नहीं बैठ के, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका क्या है, अगर एक कार्बन एटम का मास आपको पता है, अगर एक कार्बन एटम का मास होता है 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम, तो आपको 12 ग्राम में ऐसे कितने एटम्स होंगे, तो आप डिवाइड कर दोगे दोनों को। इसके लिए मैं एग्जांपल आप लोगों को ऐसे देता था कि अगर आप मार्केट गए हो 1 किलो आलू लेने के लिए, और एक आलू दुकानदार ने बोला 100 ग्राम का है, तो आप कितने आलू लेके आओगे घर, 10। कैसा निकाला आपने, 1000 को डिवाइड कर दिया 100 से। इन द सेम वे अब आप कितना ग्राम कार्बन लेने जा रहे हो, 12 ग्राम, और एक कार्बन कितने ग्राम का है, तो आप क्या करोगे, 12 को डिवाइड कर दोगे 1.99 into 10 to the power minus 23 से। और जब डिवाइड करोगे तो देखो 12/2 6 होता है, पर 2 तो नहीं है नीचे, 2 से थोड़ा छोटा नंबर है ना 1.99, तो आंसर भी हमारा 6 से थोड़ा बड़ा आएगा, और वो आंसर होता है 6.022, और ये माइनस 23 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 23। ये होता है 1 मोल का मतलब। तो अब आपके पास 1 मोल कोई भी चीज है, इसका मतलब आपके पास इतना क्वांटिटी है उस चीज का। उस चीज का मतलब अगर आपके पास कोई 1 मोल एलिमेंट है, तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप एक ग्लास पानी में नहीं बोलते कि ये पानी के एटम्स हैं, आप क्या बोलते हो, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। और एक गोल्ड के ब्लॉक में आप नहीं बोलते कि ये सारे गोल्ड के मॉलिक्यूल हैं, ये सारे गोल्ड के एटम्स हैं। ठीक है, तो अगर एक गोल्ड का आपके पास ब्लॉक है, दैट ब्लॉक इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, और अगर आपके पास एक ग्लास पानी है, दैट ग्लास ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ प्लेंटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो कंपाउंड के लिए हमेशा क्या वर्ड यूज करते हैं, मॉलिक्यूल्स, और एलिमेंट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एटम्स। तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, तभी तो दोनों प्योर सब्सटेंस होते हैं। पढ़ते थे ना 9th क्लास में, प्योर सब्सटेंसेस में ये दो आपके एलिमेंट्स कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस में आते हैं, और मिक्सचर आपके इम्प्योर सब्सटेंस में आता है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो आपके पास किसी भी चीज का 1 मोल है, तो इफ यू हैव अ 1 मोल ऑफ
सोडियम एलिमेंट, इसका मतलब आपके पास सोडियम के कितने सारे क्या है, एटम्स है। और अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक मोल मेरे पास अगर पानी है, दैट मीन्स मेरे पास पानी के इतने सारे मॉलिक्यूल्स है। तो अगर इट इज जस्ट लाइक डजन, कि किसी भी चीज का अगर आपके पास एक डजन है तो वो आपके पास 12 क्वांटिटी होगी। इन द सेम वे अगर आपके पास किसी भी चीज का एक मोल है तो ये क्वांटिटी फिक्स है, 6.022 × 10^23। और इस नंबर का ही नाम है एवोगाड्रोस नंबर। क्या नाम है? एवोगाड्रोस नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, रिप्रेजेंटेड बाय एन ए या फिर एन नॉट। कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसी से हमने पढ़ा था मोलर मास क्या होता है। देखिए, एक मोल के मास को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। जैसे एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोल देते हो, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोल देते हो, वैसे ही एक मोल के मास को क्या बोलोगे, मोलर मास। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम के लिए अपन एटॉमिक मास यूज करते हैं ना, बट जो कितना होता है 23 AMU या यू। AMU को अपन यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट बोल लो या यूनिफाइड मास बोल लो, एक ही चीज है। 23 क्या है, AMU सोडियम का एटॉमिक मास। वही अगर मैं बात करूं NaCl के मॉलिक्यूलर मास की, तो आप क्या करते हो 23 में 35.5 ऐड कर देते हो, ऐसी ऐसी निकालते ना किसी भी मॉलिक्यूल का मास, वी ऐड द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट, और हमें मिल जाता है उसका मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज 58.5। इसका भी यूनिट वही होगा AMU। तो एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोला हमने, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोला हमने, तो वैसे ही एक मोल के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। एक मोल के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। और ये मोलर मास निकालने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, आप एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकाल लो उस चीज का और उसके यू को हटा के ग्राम लगा दो, बस यही डिफरेंस है। बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। सोडियम का अगर आपके पास 23 ग्राम है, इसका मतलब आपके पास सोडियम के कितने सारे एटम्स हैं, एम आई क्लियर। पर अगर आपके पास सोडियम का 23 U है तो आपके पास सोडियम का सिर्फ एक एटम है, ये है डिफरेंस। समझ में आ रही बात? तो मोलर मास मतलब एक मोल है इसमें और एटॉमिक मास मतलब एक एटम है बस उसमें, क्लियर है। सेम चीज मॉलिक्यूल के साथ भी होगी कि 18 ग्राम पानी अगर आपके पास है, इसका मतलब आपके पास पानी के इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। पर अगर 18 U पानी है आपके पास, इसका मतलब पानी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, समझ गए क्या? 18 कहां से आया, H2O का 16 + 2 = 18। ऐसे आप सबका एटॉमिक मास को मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू रिमूव द AMU और ग्राम लगाना है। मॉलिक्यूलर मास को भी मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू हटाओ ग्राम लगाओ, बट बहुत डिफरेंस है दोनों में, है ना। AMU का मतलब सिर्फ एक एटम या एक मॉलिक्यूल होता है, पर ग्राम का मतलब एक मोल ऑफ एटम या एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल होता है। दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो एक मोल सोडियम में सोडियम के इतने सारे एटम्स हैं और इन सब एटम का कलेक्टिव मास 23 ग्राम, क्लियर है लाइन। हाँ, अगर मेरे पास एक मोल H2SO4 है, इसका मतलब मेरे पास H2SO4 के इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कलेक्टिव मास, इनका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो कितना होगा, 2 + 32 + 64, दैट विल बी 98 ग्राम होगा इतने सारे मॉलिक्यूल का मास। तो अगर ये लाइन आप किसी के लिए भी लिख पा रहे हो तो आपके लिए मोल कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसी से हम कोई भी टाइप के न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको एक पर्टिकुलर, जैसे सोडियम के लिए मैं क्वेश्चन बनाता हूं अगर, तो मैं ये बोल दूंगा कि आई हैव 46 ग्राम ऑफ सोडियम कन्वर्ट इन टू मोल, तो कैसे निकालोगे? पहले आप सोडियम के लिए ये लाइन लिख देना, पहले वो लाइन तो हमेशा फिक्स है ना सोडियम के लिए। सोडियम आपके पास मैं 46 ग्राम दूं या 92 ग्राम दूं, सोडियम की ये लाइन तो हमेशा फिक्स है, तो आप शुरुआत पहले इस लाइन को लिख के करोगे। इस लाइन से आप क्या समझ रहे हो कि 23 ग्राम मतलब एक मोल होता है, 23 ग्राम मतलब एक मोल होता है सोडियम का, तो 1 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा, 1/23 मोल। मैंने आपको दिया है 92 ग्राम, तो 1/23 × 92 दैट विल बी 4 मोल, समझे। दूसरा लेवल क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको मैंने 46 ग्राम सोडियम दिया, बताओ उसमें सोडियम के कितने एटम्स हैं,
आप फिर यही लाइन लिखोगे और आपको इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है देख करके कि 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के इतने एटम्स हैं, तो 46 में कितने होंगे, डबल। तो सारे यूनिटरी मेथड से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे मैथ्स में आप लोग यूनिटरी मेथड लगाते हो ना कि मैंने आपको 20 रुपए दिए, आप 5 पेन खरीद के लेके आए, तो बताओ एक पेन का रेट क्या हुआ, तो 20/5 किए तो एक पेन का रेट आ गया। अब ऐसे ही 100 पेन का रेट कितना हो जाएगा, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ 100 से, 1000 पेन का रेट कितना आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, कि आप पहले एक चीज का वैल्यू निकाल रहे हो फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, अभी मैंने आपको दो टाइप का क्वेश्चन क्या बताया, मास दिया मोल पूछा, मास दिया पार्टिकल्स पूछा। अब तीसरा वैरायटी क्या आ सकता है, पार्टिकल्स देगा मोल या मास पूछ लेगा, पार्टिकल्स दे देगा, बोलेगा इतने पार्टिकल का मास बताओ। तो आपको अगेन लिखना तो यही लाइन है, शुरुआत आप इन दोनों से करोगे और फिर जितने पार्टिकल का मास निकालने बोला उतने पार्टिकल का मास निकल जाएगा यूनिटरी मेथड लगाकर, समझ रहे हैं क्या। तो ये दो लाइंस, ये इस एक लाइन से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो, बस तो आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है और दिया क्या है, ठीक है। और आप ये लिख पाओगे उसके लिए तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी में एक कंसेप्ट और था मोलार वॉल्यूम का, क्या कंसेप्ट था, मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम हम गैसेस के लिए डिफाइन करते हैं कि एक मोल का वॉल्यूम, जैसे मोलर मास एक मोल का मास था, वैसे मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक मोल का वॉल्यूम, और वो एसटीपी में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, वो वैल्यू होती है 22.4 लीटर्स। मतलब हमने अलग अलग गैसेस को लिया, सुनना इधर, हमने अलग अलग गैसेस को लिया, तीन गैसेस को लिया, तीनों गैस को सेम टेम्परेचर ऑफ प्रेशर पे रखा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर पे रखा है ना, और तीनों का हमने एक एक मोल लिया, तो क्या हमने ऑब्जर्व किया कि तीनों का वॉल्यूम भी सेम आ रहा है, एंड दैट इज 22.4। बट ये सिर्फ ट्रू किसके लिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के लिए ही ट्रू, एम आई क्लियर। एट एसटीपी किसी भी एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, कोई भी गैस हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ना हो, वो ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, वो ओजोन क्यों ना हो, वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई सी भी गैस हो, अगर वो इस टेम्परेचर प्रेशर पे है और उसका अगर आपने एक मोल लिया है तो उसका वॉल्यूम यही होगा। एम आई क्लियर। इसको इसको अपन ने उसका एप्लीकेशन देखा था ना, एवोगाड्रोस लॉ का, उससे ये आया था कि आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, एवोगाड्रोस लॉ लगा करके हमने, देखो सारी चीजें वो एवोगाड्रोस नंबर और एवोगाड्रोस ये मोलार वॉल्यूम, ये सब के से ही आता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम भी इक्वल आएगा। ठीक है, एक्चुअली आप उससे निकालते हैं रिलेटिव डेंसिटी से, नहीं वेपर डेंसिटी से। वेपर डेंसिटी क्या होती है, किसी भी गैस की डेंसिटी, वेपर डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं। जैसे आपको निकालना है सर कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर डेंसिटी निकालना है मुझे, तो आप पहले डेंसिटी निकालो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी ऊपर लिखना है और नीचे लिखना डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन से। किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी निकालने के लिए अपन किससे कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन से, डिवाइड करके, ठीक है। तो इसी को अपन डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं और ये लेते हैं कि इसका भी सेम मास ले रहे हैं, इसका भी सेम मास ले रहे हैं, सॉरी सेम वॉल्यूम ले रहे हैं, तो सेम वॉल्यूम ऑफ गैस और सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करोगे मास बाय वॉल्यूम में, इसको भी कन्वर्ट करोगे मास बाय वॉल्यूम में, दोनों का मास, दोनों का वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसका मास और इसका मास, एक मोल का मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। इससे अपन रिलेशनशिप भी निकाले थे, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना है तो आप उसकी वेपर डेंसिटी का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू 2 × वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास का आधा। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12 +
32 विच इज 44, ये होता है मोलर मास, तो उसकी वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 2, 22, समझ गए। तो वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इनटू 2, ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो अपन को वेपर डेंसिटी निकालना है तो आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया, हाँ, तो आप उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ये जब आपको एम्पिरिकल फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्म डेंसिटी दी होती है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होता, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। इसी में अपन एक कंसेप्ट और पढ़े थे, वो था लिमिटिंग रिएजेंट का, याद है, लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, रिएजेंट आपको पता है केमिकल्स को हम रिएजेंट बोलते हैं, है ना, और लिमिटिंग का मतलब है कि वो कम क्वांटिटी में लिया गया था और इसके कारण हमारा रिएक्शन रुक गया, लिमिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं अमोनिया वाला, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस करते हैं, ये आपका 2N है तो यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ, ये टोटल 6 है तो यहाँ पे 3, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। इसके मासेस निकालो, क्या क्या मास होता है, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, इंटू 2, 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 6 ग्राम हाइड्रोजन है, तब जाके 34 ग्राम अमोनिया बनता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको रिएक्शन करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन तो दिया, बट नाइट्रोजन मैंने 20 ग्राम ही दिया, तो क्या 26 ग्राम अमोनिया बना दोगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं कि बस ऐड करके हमारा आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता, रेशियो में होना चाहिए, है ना, कि हमको जब भी अमोनिया बनाना है, हमें जब भी अमोनिया बनाना है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो कैसा होना चाहिए, 3:14 का, यानी कि हर 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए मुझे 14 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए, समझ रहे क्या। तो अब यहां पे अगर 6 ग्राम है तो यहां 28 ग्राम होना चाहिए था, बट मैंने कितना दिया आपको, 20, तो ये लिमिटिंग है, मतलब रिएक्शन चलेगा, रिएक्शन स्टार्ट जरूर हो जाएगा, पर बीच में एक समय ऐसा आएगा जहां पे आपका नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, तो उस केस में जब अगर नाइट्रोजन खत्म हो गया तो बिना नाइट्रोजन के अमोनिया कैसे बन जाएगा, तो रिएक्शन वही रुक जाएगा, किसके वजह से रुका, तो नाइट्रोजन कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज्यादा में उसको अपन एक्सेस रिएजेंट भी बोल सकते हैं, क्लियर है, तो ऐसे अपन लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं, तो आप रिएक्शन देख के बता सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है कौन नहीं है, तो ऐसा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक हमने क्वेश्चन किया भी था, क्या क्वेश्चन किए थे, कि आपको मैंने 50 किलो नाइट्रोजन दिया है और 10 किलो हाइड्रोजन दिया है अमोनिया बनाने के लिए, तो बताना है इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, अगर है तो कौन है, तो आप अगेन चालू ऐसी करोगे कि आपके पास 50,000 ग्राम नाइट्रोजन है और 10,000 ग्राम हाइड्रोजन है, करेक्ट, हमारा रिएक्शन तो वही है N2H2 वाला, कि 28 ग्राम नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो शुरुआत अपन इसी से करेंगे, सुन रहे हैं क्या, शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन को, सुन रहे हैं, 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन लगता है, तो 1 ग्राम को कितना लगेगा, 6/28, तो 50,000 ग्राम को कितना लगेगा, तो 6/28 × 50,000, ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो ये 6 × 5 = 30 और 4 जीरो और लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय 28, लेट मी सॉल्व दिस, है ना, इसको मैं 2 मिनट आपको आंसर बता रहा हूं कितना आएगा, थ्री और 5 जीरोस डिवाइडेड बाय 28, ये आ रहा है 10,714.29 ग्राम, तो एक्चुअली में मुझे इतना देना चाहिए था आपको, पर मैंने कितना दिया है, 10,000, मैंने कितना दिया है आपको, 10,000, मतलब 714 ग्राम कम दिया,
या 28 ग्राम को 6 ग्राम चाहिए, इक्वेशन देखकर। तो इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बैलेंसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैलेंसिंग करने के बाद ही हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि कितने ग्राम नाइट्रोजन को कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। एम आई क्लियर? ठीक है, तो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, जो नंबर्स अपन आगे लगाते हैं, दे आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये जो अपन ने लगाया ना, हाइड्रोजन के आगे 3 लगाए थे, 3H2+N2 gives 2NH3, दीज ऑल आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसी में हमने कुछ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन भी देखी थी। ये हमारा अगला टॉपिक था, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, कि आपको जैसे हमने क्वेश्चन लिखा था मीथेन का बर्निंग वाला। ये मीथेन है CH4, इसको बर्न करोगे, कंबशन करोगे, कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये जलेगा और जितना भी कार्बन है वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जितना भी हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट, बैलेंस करना पड़ेगा पहले, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पे एक एक कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 ही है तो 2 लगा देते हैं, हो गया 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन अब टोटल 2 और 2 4 है, यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, हो गया 4। अब हम इसके बारे में कैलकुलेशन समझते हैं कि कौन कितना मिलके कितना क्या बना रहा है। ठीक है, तो ये कितना है आपका टोटल, 12 और 4 16 ग्राम मीथेन, कितना ग्राम, 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिल करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम वाटर बनाता है। एक ये तरीका है इसको बोलने का। दूसरा तरीका है मॉलिक्यूल के टर्म्स में या मोल के टर्म्स में, एक मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ टू मॉलिक्यूल है ना, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अपन ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल या इन टर्म्स ऑफ मोल। आप मॉलिक्यूल बोलोगे तब भी यही नंबर्स यूज करोगे, आप मोल बोलोगे तब भी यही नंबर्स यूज करोगे, और मास के टर्म्स में ये हो गया। समझे क्या? तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसका। जैसे पूछना क्वेश्चन में कि व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न 6 ग्राम ऑफ मीथेन, ये क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड टू बर्न 6 ग्राम ऑफ मीथेन कंप्लीटली। तो आप पहले रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस करोगे, ये लिखोगे। अब यहां आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, मैंने 6 बोल दिया क्या, 8 बोलना चाहिए था, सॉरी 2 नहीं 32, आधा किया ना। तो 8 ग्राम के लिए क्या करोगे, 16 ग्राम के लिए 64 ग्राम लगता है, तो 8 के लिए क्या लगेगा, आधा। उस छेकरे भी निकाल सकते हो, पर कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना, कि आप 16 ग्राम के लिए देखें कि 64 चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 64/16, तो 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए। हालांकि ये भी कैलकुलेशन टफ नहीं है, तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है ना, है ना, तो 4 × 6 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए आपको 6 ग्राम के लिए, 8 ग्राम के लिए 32। एम आई क्लियर? तो इस टाइप का कैलकुलेशन आता है। अब इसी में क्वेश्चन पूछ सकता था मोल के टर्म्स में, क्या क्या पूछता क्वेश्चन, कि मीथेन का ही पूछ लेता कि, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेता कि हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन इज बर्न्ड, या हाफ मोल ऑफ मीथेन इज बर्न्ड। तो हाफ मोल करोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, 2 मोल पूछेगा तो ये भी 2 मोल हो जाएगा। अब जितना डिवाइड, जितना मल्टीप्लाई आप इनमें कर रहे हो ना, वही मल्टीप्लीकेशन आप इनमें भी करोगे। क्लियर है? इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक, ओके। इसके बाद एक और टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो सॉल्यूशंस वाला था, मोलारिटी मोलारिटी एंड ऑल, है ना। और तो कोई टॉपिक नहीं छूट रहा ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशंस, वो तो आप लोग पढ़ लोगे, है ना, कि एक नंबर दिया पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर, उसके रूल्स लिखे हुए हैं, है ना, और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब भी आप लोग समझ जाओगे, राउंडिंग ऑफ भी समझ जाओगे। साइंटिफिक नोटेशन मतलब कि हम नंबर्स को n × 10⁻ के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तभी तो हमारा एवोगाड्रो नंबर भी ऐसा लिखा हुआ है, राइट, वरना ऐसा भी तो लिख सकते थे ना अपन, हाँ, ऐसा गलत है क्या लिखना, हाँ,
लिख सकते हैं ना ऐसा भी, तो दोनों सही है अपने आप में है ना, बट फिर सब अपने अपने तरीके से लिखेंगे तो सबका अलग अलग दिखेगा नंबर, हालांकि सबका मीनिंग सेम है ना, बट दिखने में सारे नंबर अलग अलग दिख रहे हैं। तो सबको सेम रखने के लिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एक नोटेशन निकाला गया, उसी का नाम है साइंटिफिक नोटेशन, जहां पे हम नंबर को n into 10 to the power n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहां पे ये n की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, ये n की वैल्यू 10 से छोटी, तो ये तो 10 से बड़ी होगी ना 60, तो इसलिए ये गलत है, सुन रहे हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन था। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिशन क्या होता है, ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा है ना, यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स पढ़े ना आपने, फिजिकल क्वांटिटीज, 7 बेसिक वाले पढ़े होंगे आपने है ना, बाकी डिराइव्ड होते हैं, पढ़े हो ना ये सब, ठीक है। तो मैं लास्ट टॉपिक में आ रहा हूँ, विच इज अवर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने का तरीका। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन किससे किससे बना होता है मिलके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को सॉल्यूट के टर्म्स में बताते हैं जनरली, आइदर मास परसेंटेज के फॉर्म में या वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में। ये हम 9th क्लास में पढ़ते थे कि वो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। यही काम हम वॉल्यूम में करेंगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये अपन पढ़ते थे क्लास 9th में, इसको बोलते हैं अपन मास परसेंटेज, क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज, ठीक है, और वॉल्यूम परसेंटेज। इस 11th क्लास में हमने कुछ नए टर्म्स पढ़े थे, एंड दोज वर मोल फ्रैक्शन, जिसको हमने x से डिनोट किया था, दूसरा हमने पढ़ा था मोलारिटी, जिसको हमने कैपिटल M से डिनोट किया था, और तीसरा टर्म हमने पढ़ा था मोलालिटी, जिसको हमने स्मॉल m से डिनोट किया था। मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी, एज द नेम सजेस्ट, ये मोल का फ्रैक्शन है, मतलब मोल बाय मोल का रेशियो है, नॉट अ परसेंटेज, ठीक है, इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा, क्योंकि मोल बाय मोल का रेशियो तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अपन कैसे निकालते थे, ध्यान देना इधर, अगर आपने सॉल्यूट लिया है, ए नाम का सॉल्यूट है जिसका नंबर ऑफ मोल आपने कितना लिया, एन ए नंबर ऑफ मोल लिया आपने, और आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट है बी, जिसका नंबर ऑफ मोल आपने ले लिया एन बी, ठीक है, तो आपको अगर किसी का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है कि चलो आपको बताना है कि मैंने ए का कितना मोल फ्रैक्शन लिया है, तो क्या करोगे आप, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, परसेंटेज में होता तो इंटू 100 कर देते, तो ये वैल्यू पॉइंट में आएगा और ये हमेशा लेस देन 1 होगा। वैसे आपने अगर इसका 2 मोल लिया, इसका 3 मोल लिया, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 2/5, विच विल बी 0.4। और दूसरा, आपको अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करोगे, ऊपर आएगा सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, विच विल बी इक्वल टू 3/5, दैट विल बी 0.6, ऐड करने पे हमेशा कितना आएगा, 1 आना भी चाहिए, लेकिन दोनों को मिला के तो सॉल्यूशन बनना ना 100%, तो दोनों को मिला के आंसर भी कितना आएगा, हमेशा 1, क्लियर है। तो तभी इसका नाम मोल फ्रैक्शन पड़ा, परसेंटेज नहीं पड़ा, मोल परसेंटेज बोलता तो फिर यहाँ पे आप इनटू 100 भी करते फॉर्मूले में, जैसे इसके पहले वॉल्यूम परसेंटेज निकाला, मास परसेंटेज निकाला, तो मास परसेंटेज में आपने मास बाय मास का रेशियो निकाल के इनटू 100 कर दिया, वॉल्यूम परसेंटेज में आपने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो निकाल करके इनटू 100 कर दिया, पर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, मोल परसेंटेज नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन है तो अपन ने इनटू 100 नहीं किया, तो आंसर भी हमारा फ्रैक्शन में आएगा, और उन सबको ऐड करने पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1, क्लियर है। ये तो 2 कॉम्पोनेंट है, अगर 3 कॉम्पोनेंट मिला के सोल्यूशन बनाते होते तो एन ए एन बी एन सी, एन ए एन बी और एन सी, तीन भी तो हो सकते हैं ना भाई आपके, नहीं हो सकते क्या, आप नींबू पानी बनाते हो तो नींबू भी डाल रहे हो, शक्कर भी डाल रहे हो, पानी भी डाल रहे हो, तो 3 हो गए ना, एक सॉल्वेंट है, 2 सॉल्यूट है, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 ही चीज होंगी, बाइनरी सॉल्यूशन में 2 ही चीज होगी, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, पर अगर हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करें जिसमें मल्टीपल सॉल्यूट होगा तो अपन सबके मोल लेंगे, और फिर जब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे एक का तो नीचे तीनों के नंबर ऑफ मोल ऐड करोगे, दूसरे का निकालोगे तब ऊपर उसका रखोगे, बाकी तीनों का नीचे ऐड करोगे, और आप ऐसे आप एक्स सी निकालोगे तो एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ऐसे हम सबका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर तीनों का ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए, क्लियर है ये, ठीक है। दैट वॉज मोल फ्रैक्शन, यूनिटलेस क्वांटिटी है,
आंसर विल बी इन फ्रैक्शंस, मोल बाय मोल का रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था मोलारिटी। मोलारिटी देखो, नाइन्थ क्लास में हम मोल कंसेप्ट स्टार्ट जरूर किए थे, पर अपन ज्यादा डीप में नहीं पढ़े थे, इसलिए हमने सॉल्यूट को हमेशा मास या वॉल्यूम में रिप्रेजेंट किया, इसलिए दो ही टर्म पढ़ते थे, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। बट अब तो हम मोल पढ़ लिए हैं, तो हमारे जितने भी सॉल्यूट के मासेज हैं उन सबको मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये तरीका होता है नंबर ऑफ मोल निकालने का। क्या बोला मैंने फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल एन निकालने के लिए मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। ये वहीं से आया हमारे मोल कंसेप्ट से ही, किससे आया है कैसे देखो, एक एग्जांपल समझना कि अगर मैं बोलूं आपके पास कि मेरे पास 46 ग्राम सोडियम है, मेरे पास कितने मोल सोडियम है, तो ये निकालने के लिए अपन वो लाइन लिखेंगे, क्या लाइन थी, 1 मोल ऑफ सोडियम उसके पास इतने सारे एटम्स हैं और इसका मास 23 ग्राम है। तो आप इन दोनों को उठाओगे कि 23 ग्राम मतलब 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम मतलब 1/23 मोल होगा, तो 46 ग्राम मतलब 1/23 × 46 दैट विल बी 2 मोल। निकाले ना ऐसे, तो आप देखो किए क्या हो, 46/23 क्या किया आपने, 46/23 यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। समझ रहे हैं क्या, आपको मैंने कितना भी मास दे दिया किसी भी चीज का, आपको उसको ऊपर रखना है और डिवाइड किससे करना है, उस चीज के मोलर मास से। सुन रहे हैं क्या, जैसे 92 ग्राम सोडियम है तो 92/23 सुन रहे हैं। वाटर का मैंने आपको मान लीजिए 54 ग्राम दे दिया, वाटर कितना दे दिया मैंने आपको 54 ग्राम, बताओ कितना मोल हुआ, तो 54/18 3 मोल। सुन रहे हैं क्या, हाँ, तो मास इन ग्राम जो मैंने आपको दिया है डिवाइड बाय मोलर मास जो फिक्स होता है हमेशा किसी भी चीज का, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है ये, हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ये आपको 12th तक काम आएगा ये फॉर्मूला। हमारा 12th में फिर एक चैप्टर है सॉल्यूशंस, है ना, उसमें आपको फिर ये नंबर ऑफ मोल्स काम आएगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका याद रखेंगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। क्लियर है, चलो तो मोलारिटी में वापस आते हैं। मोलारिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और इसका मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अपने सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट डाला उसको आप मोल में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर में लिखोगे, और ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ रहा है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर है मोल और नीचे है लीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, या इसको हम सिंपली कैपिटल एम बोल देते हैं। ठीक है, तो कहीं लिखा हुआ है कि मेरे पास सॉल्यूशन 5M सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 5 मोल पर लीटर का मेरा सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 मोल सॉल्यूट मिला करके 1 लीटर सॉल्यूशन बन रहा है, तब तो 5/1 आंसर 5 आएगा ना। सुन रहे हैं, ऐसे कितना भी आपको अगर आपको मोलारिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, अपन उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सुन रहे हैं क्या, अगर मैंने बोला कि मेरे सॉल्यूशन का मोलारिटी 2 है, 2 मोल पर लीटर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने 2 मोल सॉल्यूट लिया है और सॉल्वेंट इतना लिया कि ओवरऑल सॉल्यूशन 1 लीटर का बन गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि मोलारिटी 2 है या मोलारिटी 5 है। ठीक है, एक और लास्ट टर्म है मोलालिटी, इसको डिनोट किया था हमने स्मॉल एम से, मोलालिटी को किससे डिनोट किया था, स्मॉल एम से। इसका भी न्यूमरेटर वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बस नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन, है ना, सॉल्वेंट इन केजी, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मोल पर केजी, या इसको हम स्मॉल एम बोलते हैं, मोलाल, वो मोलार है ये मोलाल है, वो कैपिटल एम है ये स्मॉल एम है। सुन रहे हैं क्या, है ना। अच्छा एक चीज बच गया, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, मतलब किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल जैसे कि
ग्लूकोज का होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स, सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स है ना। तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सबको सिक्स से डिवाइड कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा सी एच टू ओ। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। बट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता ना, क्वेश्चन आपको क्या दिया रहता है, आपको अलग अलग एलिमेंट्स दे देगा है ना, एलिमेंट ए एलिमेंट बी एलिमेंट सी, और आपको इनका क्या दे देगा परसेंटेज, कि ये आपके मॉलिक्यूल में लेट से 60% है, ये आपके मॉलिक्यूल में लेट से 20% है और ये बचा हुआ 20% है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि मेरे पास उस मॉलिक्यूल का 100 ग्राम है, तो उस हिसाब से ये मेरे पास 60 ग्राम है, ये 20 ग्राम है और ये भी 20 ग्राम है। ऐसा टेबल बनाते थे अपन और फिर इन सब मासेस को हम मोल में कन्वर्ट करते थे, कैसे, इनको इनके मोलर मास से डिवाइड करके, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास करके अपन क्या निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और फिर अपन को उसको कन्वर्ट करना है ना सिंपल फॉर्म में, तो क्या करते थे, इन सब में जो सबसे छोटा नंबर था उसको सबसे डिवाइड करते थे, तो सबको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता था। यहां भी तो अपन ने वही कहा ना, ग्लूकोज में सबसे छोटा कौन था, सिक्स, हमने सिक्स को सबसे डिवाइड कर दिया, तो क्या क्या आ गया, सिक्स बाय सिक्स वन, ट्वेल्व बाय सिक्स टू, सिक्स बाय सिक्स वन, am I clear? तो वहां भी वही करेंगे, एक बार अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, हम उसमें से सबसे छोटा नंबर को ढूंढेंगे और उससे सबको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद अगर वो सारे होल नंबर्स हैं तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा, और नहीं तो हमको उस, जैसे मान लो ये 1.5 आया, ये 2 आया और ये 1 आया, सुन रहे हैं, डिवाइड करने के बाद, अब 1.5 तो होल नंबर नहीं है, तो आप इसको नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा, तो क्या करोगे 2 से, तो 2 से सिर्फ इसको नहीं सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी अवर फाइनल नंबर। और फिर जो भी हमारे एलिमेंट्स है उनके बगल में ये नंबर लिख देंगे A3 B4 C2, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ऐसे निकालते हैं अपन, ठीक है। ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशनशिप क्या था, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आप n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कर देते हो, जहां पे n कैसे निकालते हैं अपन, n का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जैसे कि अभी अपन ने ग्लूकोज का किया ना, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, ये था है ना, इसका मास कैसे निकालोगे 180 ऐड करके, इसको आपने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था CH2O, और इसका क्या हो जाएगा 12 13 14 14 और 6 30, दोनों को डिवाइड करो तो n आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 30, दैट विल बी 6, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दिस, यही है इसका मीनिंग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां पे अपन n कैसे निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, क्लियर है। अब बस यहां पे एक ट्विस्ट ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ना दे करके वेपर डेंसिटी दिया है, तो अभी मैंने आपको बताया कि वेपर डेंसिटी को डबल कर देना, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, एम आई क्लियर, हाँ ठीक है। तो ये चैप्टर में तो इतना ही थ्योरी पार्ट था, बाकी इसके अलावा कुछ डाउट होंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। तो अभी आपका टास्क ये है कि जिनका हाफ ईयरली एग्जाम है उनको ये चैप्टर अपने से रिवाइज करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखो, हमने जो नोट्स पूरा बनाया है, मैंने एक नोट शेयर भी किया था सॉफ्ट कॉपी इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ, आज फिर से कर दूंगा, ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो, कि जिनके पास नोट्स नहीं है वो उसको प्रिंट निकाल करके रेफर कर सकते हैं नोट्स के लिए। देखिए जब मैंने मैं ये तीसरी बार, मतलब ये तो फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज था आज एक क्लास में, वरना मैं एक बार और चैप्टर वापस पढ़ा चुका हूँ, एक बार तो सबसे शुरू में पढ़ा था जब हम स्टार्ट किए थे क्लास 11, बट उसके बाद मैंने एक बार वापस पढ़ाया था, वो मैंने नोट्स से पढ़ाया था प्रॉपर, इस पैनल में मैंने नोट्स चला करके आपको पीडीएफ से पढ़ाया था जो बाद में ज्वाइन किए थे, और उसके बाद भी जो ज्वाइन किए थे फिर हमने रिपीट नहीं किया था चैप्टर, ठीक है। तो ये उसका एक रिविजन हो गया, अब आप लोग के ऊपर है कि आप फर्स्ट चैप्टर को फिर से रिवाइज करके डाउट्स पूछे, ठीक है, चलो थैंक यू।
इसके लिए सेम लिंक में रहेंगे,